ऑल राइट आज हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहे हैं और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी से है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग गेट एग्ज़ाम जो सोचते हैं वो Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें भी बहुत लोगों के नखरे होते हैं कि मेरे कॉलेज में तो TCS आता है, इन्फोसिस आता है, तो मैं क्यों गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। हालांकि वो लोग 4 लाख पैकेज से ऊपर कोई पैकेज दिए नहीं है, फिर भी लोग कैंपस प्लेसमेंट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे हिसाब से वो सही बात नहीं है। मतलब सबसे पहले उन्हें सेकेंड ईयर से गेट एग्ज़ाम के बारे में एक बार तो सोचना चाहिए। तो तुम अपने कॉलेज के बारे में बताओ, अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो। तो मेरा नाम संग्राम कांजीलाल है। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ। अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं क्लास 12 में था तभी जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो JEE का जैसे प्रिपरेशन करते हैं, मैंने भी किया था। और मेरा WebGE में वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें जो रैंक आया था उसके बेसिस में मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला। तो वैसे ही जब जादवपुर में मैं फर्स्ट ईयर में गया तो सब जैसे सोचते हैं जो IIT के अलावा और कई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि IIT नहीं जा पाया तो मेरा लाइफ गया और IIT के अलावा कोई क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है इंडिया में। तो वैसा ही मैं भी सोचता था कि मतलब ऐसा एक डिमिनिशिंग फीलिंग आता था मेरे में कि वो IIT नहीं जा पाया तो मतलब ऐसा। तो मैं फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ना चालू किया जादवपुर में। धीरे धीरे कैंपस लाइफ से मैं अकस्टम्ड हुआ, मेरे दोस्त हो गए कैंपस में। और वही मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि उधर पढ़ाई भी होता है और उसके साथ और अलावा जो एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़, फेस्ट, सब कुछ होते हैं। और प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ये बहुत लोगों को पता नहीं है हाँ। पर मतलब IIT में जो जो कंपनीज आते हैं वो जादवपुर में भी आते हैं। इस साल का तो बहुत अच्छा पैकेजेस रहा और सब तरह की कंपनीज आते हैं, मतलब कोई कमी नहीं है। सॉफ्टवेयर में आप सोच लो कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब तरीके के कंपनीज आते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब IITs में मतलब ऐसा होता है कभी कभी जो मतलब सिविल के जो कंपनीज है वो थोड़ा कम आते हैं क्योंकि उनको मतलब सॉफ्टवेयर के तरफ धकेला जाता है। थोड़ा मतलब ऐसा सोचा जाता है कि सॉफ्टवेयर आप कोडिंग कर लो, पर मतलब जादवपुर में ऐसा भी है कि सिविल के कंपनीज को भी बुलाया जाता है कि कुछ सिविल ब्रांच के लड़के अगर सिविल के कोई कंपनी में काम करना चाहे वो भी उधर जा सकते हैं। तो ये भी मतलब मुझे लगता है एक एडवांटेज है। तो जब तुम इतनी तारीफ कर ही रहे हो अपने कॉलेज की और कॉलेज के प्लेसमेंट्स की, तो फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे रैंकर्स निकलते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से हर साल। और पिछले एक साल से मेरे चैनल पे तो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गया है कि थर्ड ईयर में ही जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे रैंक निकाल लेते हैं। तो क्यों अटेम्प्ट करते हो तुम लोग गेट एग्ज़ाम? तो मतलब ऐसा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक पीयर ग्रुप मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि ये कॉलेज है, सब कुछ है। मतलब फिर भी मुझे लगता है कि मतलब नॉलेज के लिए एक गेट एग्ज़ाम आपको लिखना चाहिए क्योंकि उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स है उनका जो नॉलेज है, जो एप्लीकेशन है वो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है। MTech में आपका बहुत हेल्प हो जाता है क्योंकि आपको बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में भी जा सकते हो। MTech करने से आप मेहनत करना सीख जाते हो बहुत अच्छे से। और एक रैंक का तो मतलब हिसाब आता ही है इधर, मतलब गेट में अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया तो वो बहुत बड़ा बात है, वो तो है मुझे लगता है। और फिर और एक बात भी रहता है कि मतलब IIT जाना है, IIT टैग के लिए बोलिए और फिर उनका क्वालिटी जो ऑफ एडुकेशन जो है, उनका जो प्लेसमेंट है, उधर का जो कल्चर है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए मुझे लगता है। सिर्फ एक कॉलेज में रह गए उधर ही अटक के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए भी गेट ज़रूरी है, मतलब वो आपके सामने एक मतलब अपॉर्चुनिटी खोल देता है, बहुत एवेन्यूज आ जाते हैं आपके सामने। आप PSU जा सकते हैं, MTech कर सकते हैं, इतना अपॉर्चुनिटी और किसी एग्जाम में नहीं है मुझे लगता है। तो तुम अभी क्या चूज करने वाले हो PSE और MTech में से, और उसके रीजन भी बताओ। जी, तो मेरा तो पहले से ही मतलब जब मैं इलेक्ट्रिकल में आया था तो सेकेंड ईयर से ही मुझे पता लग गया था कि मतलब इलेक्ट्रिकल में कुछ करना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ूंगा, इलेक्ट्रिकल में अगर जॉब लेना है तो इलेक्ट्रिकल में करूंगा। तो मतलब वैसे ही मैं कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था तो मेरा मतलब हिसाब ऐसा है कि मैं पहले PSU जाऊंगा क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस थोड़ा लेना चाहता हूँ। और PSU मतलब एक अच्छा जॉब भी है इंडिया में, एक सिक्योर जॉब भी है, उनका पैकेज भी बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिकल में, तो वो मैं करना चाहूँगा कुछ साल के लिए। फिर बाद में मैं MTech का सोचूंगा IIT से। क्योंकि 3 साल वैलिड होता है तो तुम किसी भी हाँ साल जा सकते हो। हाँ MTech के लिए और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि थर्ड ईयर में अगर मेरा रैंक आ गया तो क्या मुझे अभी फोर्थ ईयर करने की जरूरत नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा फोर्थ नहीं है। ईयर करने के हाँ बाद तुम्हारा हाँ 3 साल वैलिड होने हाँ के कारण तुम ले सकते हो हाँ कभी भी हाँ एडमिशन। हाँ तो और कैसे कि गेट स्कोर कार्ड का सिर्फ यूज MTech के लिए नहीं है, हाँ इंटर्नशिप में भी तुम हाँ दिखा सकते दिखा हो। सकते हैं, CV में भी ऐड कर सकते हाँ, हैं। जब तक वो 3 साल वैलिड है हाँ तुम उसे किसी भी तरह से यूज कर हाँ सकते कर हो, सकते जो भी डिमांड कर रहा है वहां पे हाँ तुम दिखा सकते हो। हाँ
तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने एक माहौल बना दिया था पढ़ाई नहीं करने का, ठीक है, मतलब जनवरी में गेट पोस्टपोन करो, गेट पोस्टपोन करो। तो मेरे हिसाब से पूरा यही बदल गया था, मतलब बोलते हैं जज्बाती बदल दिए, उस तरह से एक सिचुएशन हो गया था। लोग गेट एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर भी रहे थे वो लोग भी माइंडसेट खो दिए थे। तो तुम किस तरह से देखते हो इस सिचुएशन को, क्योंकि अगर अगर ये अगले साल भी होता है तो लोगों को पता होना चाहिए कि जनवरी का मंथ का क्या इंपॉर्टेंस है, लास्ट के एक वीक की क्या इंपॉर्टेंस है, तुम बताओ। हाँ, तो मतलब गेट का जो प्रिपरेशन है ये एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है। आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि इतने सालों का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे मेरे केस में मैं दोनों, मतलब गेट ESE दोनों का मैं प्रिपरेशन कर रहा था एक साथ, तो 2 साल का मैंने टाइम स्पेंड लिया था। तो वो दो थर्ड और साल फोर्थ ईयर, हाँ थर्ड और फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में से मैंने क्लासेस लगाए, ऑफलाइन क्लासेस, और उधर से ही प्रिपरेशन चालू किया। पर मुझे पता था कि फाइनल टारगेट फोर्थ ईयर के बाद है, तो ऐसा मैंने प्रिपरेशन चालू किया और पढ़ते रहा। और ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, जो 3 कोर्स सब्जेक्ट से, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स, इन तीनों सब्जेक्ट का इतना बड़ा सिलेबस है कि वो कवर करने में, उनको मास्टर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मतलब एक लंबा टाइम स्पैन आप रखिए, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, तो वो कीजिए। और आपका टाइम स्पैन अगर ठीक है, आपको अगर एक फोकस में रहना है, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज इतने मंथ से मैं शुरू करूंगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो इससे मतलब एक प्रॉब्लम हो गया था, जब मतलब लोग बोल रहे थे कि गेट पोस्टपोन कीजिए, जो स्टूडेंट सीरियस है उनका पहले से ही प्लान था कि जनवरी के मंथ जब एंड होगा तो हमारा टेस्ट सीरीज लगभग खत्म हो जाना चाहिए, हाँ जैसे मेरा भी हुआ था, वो कुछ ही टेस्ट बच गए थे। और ऐसा है कि मैंने डिसाइड कर लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कि मतलब जो फाइनल एग्जाम है उससे 7 दिन पहले मैं कोई टेस्ट नहीं लिखूंगा, मैं खुद रिवाइज करूंगा और शॉर्ट नोट्स जो भी बनाया था उससे पढ़ूंगा और और सिर्फ रिवाइज। पढ़ाई करने की बात नहीं है, माइंडसेट भी तुम वैसे ही हाँ क्रिएट करते हो। हाँ ऐसे ही, मतलब आपका फोकस ऐसा रहता है कि वो टेस्ट खत्म करो और फिर अपना रिविजन करके आप फाइनल एग्जाम में बैठ जाओ, ऐसा होता है। तो मतलब जो पोस्टपोन का बात हुआ था, अगर वो 1 महीना भी पोस्टपोन हो जाता तो उधर मतलब कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज खत्म होने वाला था, तो बाकी मतलब स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब जो हमने मेंटेन करके रखा था टेस्ट सीरीज के थ्रू, वो नहीं हो पाता। और मतलब एक फोकस भी लूज हो जाता बहुत स्टूडेंट का वो 1 महीने में। और मतलब ये भी ठीक नहीं था कि कितने मंथ के लिए पोस्टपोन करे, अगर आप पोस्टपोन करते भी तो मतलब जो अगले महीने एकेडमिक, क्या कोरोना वायरस होगा, नहीं हाँ वो रहता, और फिर भी मतलब एकेडमिक सेशन भी थोड़ा पीछे चला जाता, वो बहुत कुछ लोगों कॉलेजेस। के इंटर्नशिप होते हैं हाँ गेट एग्जाम के तुरंत हाँ बाद, कुछ लोगों के हाँ सेमिस्टर एग्जाम्स हाँ होते हैं, हाँ ठीक है, तो हाँ सब ये कुछ सब डिस्टर्ब हो प्रॉब्लम्स। जाता है। हाँ तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हाँ कुछ लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एकदम वो एच पे खेल रहे होते हाँ हैं, वो PSU में एलिजिबिलिटी होता है शायद वो। से वो नहीं रह हाँ पाते, नहीं अगर हाँ रिजल्ट पोस्टपोन होता है, हाँ उनका इंटरव्यू बहुत डिले हो जाता है और PSU लास्ट में। साल हो सकता है उनका अटेम्प्ट का। हाँ, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह हाँ से, मतलब प्रॉब्लम तो था, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है कि सेंटर दूर है वो सब जायज है, पर उसका सॉल्यूशन गेट एग्जाम पोस्टपोन नहीं था, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो तुम एक लास्ट में ना कुछ वर्ड्स में अपना एक शॉर्ट मैसेज दे दो, मैं स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम माइंडसेट कैसा रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को वो बता दो, ताकि लोग अपने प्रिपरेशन में वो माइंडसेट कैरी कर सकें। तो मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझे अब हर टाइम रैंक के बारे में सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो प्रेशर आपने ले लिया, कि आपने सोच लिया कि मेरा अंडर 100 ही आना चाहिए, ये अगर आप एग्जाम हॉल में सोचते रह जाएंगे तो आपका मार्क्स भी निकल जाएगा तुम और कभी आपको किसी रैंक को नहीं पूछते थे मिलेगा। कि मैं 100 के अंदर कैसे रैंक निकालूंगा, मुझे बता सकते हो? नहीं, मैं ये कभी नहीं पूछता था, क्योंकि मतलब मेरा फोकस ये क्लियर था, क्योंकि मैंने मतलब IIT JEE में देखा था कि लोग ऐसे करते थे, कुछ क्वेश्चन टफ सॉल्व कर लिए तो वो जाके पूछते थे कि मेरा रैंक आ जाएगा ना। है तो ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको अगर रैंक मिलना चाहिए तो आपको वो डिजर्विंग भी बनना तो पड़ेगा, तुम आपको बताना एफर्ट मारना चाहते हो चाहिए। कि जो सबसे बेस्ट इमेजिनेशन करेगा हाँ उसका रैंक नहीं आएगा, नहीं जो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करेगा। करेगा हाँ उसका रैंक आने का पॉसिबिलिटी हाँ बनेगा। हाँ मतलब प्रिपरेशन आपको करते जाना है कंसिस्टेंसी, हर रोज, फेस्टिवल आ गया छोड़ दिया ऐसा नहीं, हर रोज कंसिस्टेंटली आप पढ़ते जाइए गेट के लिए, फोकस रखिए कि मुझे करना ही है। अगर आप पढ़ते जाएंगे कंसिस्टेंटली, एफर्ट मारते जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा गेट में। तो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है ये, हाँ कुछ लोगों को 1 साल के लिए भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 2 साल की दो भी हो साल भी सकती हो है। सकता है। तो तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, अपने लेवल को अंडरस्टैंड करो, अपने आप को झूठ बोलोगे किसी एक टायर 1 या फिर IIT के बच्चे को देखिए, उसने तो 6 महीने में क्रैक किया था, मैं भी 6 महीने में क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बुद्धू हूँ या फिर मेरे लिए गेट एग्जाम बनी नहीं है। हर इंसान को अपना, क्योंकि उसने पहले JEE में मेहनत किया है ना, हाँ उसने अपना एप्टीट्यूड इम्प्रूव किया है, किया है। क्योंकि गेट एग्जाम में मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग थे, इसलिए आंसर राइट नहीं निकाले,
कुछ हमें हम ट्रायल एंड एरर बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है आपको, इंट्यूशन लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट का समझ होना चाहिए आपने, मतलब तुम्हें बेसिक्स भी पता है ना तो भी तुम आंसर निकाल लेते, जरूरी नहीं कि तुम्हें उसमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। ये एडवांटेज एक टायर वन के कॉलेज को मिलता है, अगर तुम उस लेवल पे आना चाहते हो तो तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेगा। हो सकता है इसमें 2 साल लगे, पर 2 साल पूरा लगाना पड़ेगा। और ये वर्थ इट भी है, मतलब गेट के थ्रू इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए इतने एफर्ट मारने के बाद, तो आपको अच्छा लगेगा कि अब मैंने कुछ अचीव कर लिया। हाँ, तो तुम देखो दो तरीके की माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट है स्टूडेंट का कि मैं सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना, तो मैं क्यों हाथ पैर मारूं, और एक ऐसे माइंडसेट वाले रैंकर्स भी होते हैं, मतलब जो रैंकर्स होते हैं वो ऐसा माइंडसेट कैरी करते हैं कि मेरी सक्सेसफुल होने की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है ना, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल सकती ना मेरे कॉलेज में, तो मैं करूंगा ऐसा मेहनत करना चाहिए। और मैं और थोड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मैं पढ़ नहीं पाता सोशल मीडिया के वजह से, तो मुझे लगता है कि ये सब एक्सक्यूजेस है। आपको अगर करना ही है, गोल है आपका गेट एग्जाम, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप पहले मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो उस टाइम के लिए जब आप पढ़ते हैं, मोबाइल दूर रख दो कि आपको उठ के जाना पड़े लेने के लिए, फिर आप पढ़ाई करो, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। मेरे हिसाब से एक इंसान जो मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो एग्जाम में वो सिचुएशन क्या ही कंट्रोल करेगा। हाँ, सच में आपका माइंड सेट ठीक रहना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा एक टेस्ट है कि तुम अपने माइंड को कितना कंट्रोल रख सकते हो। जी, जब तुम यही डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा नहीं सकते, तो उस प्रेशर से अपने आप को कैसे बचाओगे। सही, हाँ, माइंड का ही गेम है। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट सबको सब कुछ पता होते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कितना आसानी से वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, कितने माइंड को काम रख रहे हैं। और यहाँ पे मतलब दोस्तों का मेरा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरे जो दोस्त थे उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि दोस्त अच्छे बनते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, दोस्त तो अच्छे बनते हैं, और मतलब वो एक लाइफ टाइम का बॉन्डिंग है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब मेरे जो दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड सर्कल था, इलेक्ट्रोफाइल्स नाम का एक मेरा ग्रुप था व्हाट्सएप पे, और उनमें जितने भी बंदे थे, और मेरे कुछ 4 बहुत क्लोज फ्रेंड है, प्रतीक मिश्रा, सायन बैनर्जी और मोहम्मद कैफ, ये 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, तो इन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। मतलब ऐसा होता है कि दोस्त घूमने चले जाते हैं, तो मैं कहता था हर बार उनको ना कर देता था, तो ऐसे में रिलेशन खराब हो जाता है, पर वो लोग समझते थे कि ये पढ़ रहा है गेट के लिए, फोकस्ड है, तो इसको पढ़ने दो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गेट के बाद हम इसके साथ भी चलेंगे। तो ऐसे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, और इनके साथ जब मेरा बातचीत होता था तो वो मैं रात को करता था, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पढ़ने बैठा और मोबाइल उठा लिया, ऐसा नहीं है, तो रात को एक फिक्स टाइम था, वहीं पे करता था। तो हम इतना ही रखते हैं वीडियो, और इनका भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप उन्हें पूछ सकते हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने एस एकेडमी से कोचिंग करी थी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होता क्या है कि अपने टाइम से तुम चल सकते हो। मेरे हिसाब से लाइव लेक्चर्स में भी या फिर ऑफलाइन लेक्चर में भी हमें टीचर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं। और जो भी ये डाउट्स लोग सोचते हैं कि मुझे डाउट आ गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है, जो तुम लेक्चर वापस पीछे जाके देखोगे वो क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, छोटा मोटा जो भी डाउट आएगा यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो तुम्हारा 1000 वीडियोस आ जाएंगे वो पर्टिकुलर डाउट क्लियर करने के लिए। और फ्रेंड्स से डिस्कस भी करो, उससे भी बहुत डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपका जो पीयर ग्रुप है वो भी अच्छा होना चाहिए। और जो भी टेस्ट सीरीज में भी तुम्हें प्रॉब्लम आते हैं, तुम लोग सोचते हो कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करूँ, मेरी कहाँ पे गलतियां होती है, तो मिस्टेक्स एनालिसिस करने के लिए भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें हेल्प कर सकता है। बहुत लोगों का फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लोग का फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो गेट एग्जाम में हाईली मोटिवेटेड है तुम्हारे जैसा। तुम्हें किसी मोटिवेट करने के लिए किसी को जाना नहीं है, जो मोटिवेटेड है उन्हीं से दोस्ती रखो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन डिस्कस करने के लिए, तुम अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। और एस एकेडमी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रिफर करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो तुम जाके वहाँ पे खरीद सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय। देख पूरे गेम को संभाला कौन, ज्वाला ज्वाला डॉला डॉला देख लाया कौन, ज्यादा देख ज्यादा सुन मत ज्यादा बोल, गली गैंग कश्मीर से है ज्यादा कोल्ड, पैसा गिन बड़ा बिंग बड़ा बड़ा बूम, चिलम एक चिलम दो बड़ा बड़ा बूम, टर्न इट अप सीधा लाउड चल बड़ा सुन, अजी जी वर्ल्ड वाइड चल जगह चुन।